Assalamualaikum, once again welcome to another part of Adobe Illustrator. Basically this is the second part. In the recent part हम लोगों ने सीखा था कि Adobe Illustrator में किस तरह document create करते हैं, उसकी setting किस तरह की होती है, उसकी width और height किस तरह देखते हैं हम लोग, उसके साथ color mode देखे थे और rest effect देखा था. Well, these are the simplest thing that we have seen in the previous tutorial. But आज से हम लोग एक basic सी know how करेंगे tools के बारे में. So first two tools which I will going to use is the selection tool and direct selection tool. इन दोनों tools का बहुत ज़्यादा फायदा होता है और ये बहुत ज़्यादा use होते हैं. Obviously क्योंकि हम लोगों ने drag and drop करनी होती है चीज़ें, तो these two tools are the best available sources. So यहाँ पर आपको दो टूल नजर आ रहे होंगे जो काइंड ऑफ सिमिलर हैं एक दूसरे से. एक का नाम है सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्ट की है वी, और दूसरे का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्ट की है ए. वेल, एज यू कैन सी के ये दोनों बिल्कुल ही सेम है, लेकिन इनमें काफी हद तक डिफरेंस मौजूद है और वो मैं आज आपको डिफरेंस बताऊंगा. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आप कोई भी ड्रॉ करें, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, कोई सर्कल ड्रॉ करें. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और इनको मैंने अलग अलग कलर दे दिए. एक को मैं ब्लू देता हूँ, एक को मैं रेड देता हूँ. आफ्टर गिविंग द कलर मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का बताऊंगा. सो दिस इज द बेसिक ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ओनली. तो सिलेक्शन टूल में आप अगर देखें तो आप जब भी इसको मूव करेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट इसके साथ मूव नहीं हो रहा, एज यू कैन सी. सिमिलरली अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करेंगे तो उसमें भी यही है, वो मूव नहीं होता. लेकिन अगर मैं इनको ग्रुप कर देता हूं, राइट क्लिक करके इनको सिलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल ए कीबोर्ड से दबाएं, या फिर माउस को ड्रैग करके दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इनको ग्रुप कर दीजिए. ग्रुप करने के बाद भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अकेले ही मूव होंगे. लेकिन अगर मैं सिलेक्शन टूल यूज करता हूं जो कि ब्लैक कलर का आपको टॉप कॉर्नर में लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, तो एक को मैं ड्रैग करता हूं तो दोनों मूव हो जाते हैं. दैट इज बिकॉज वी हैव ग्रुप देम. अगर हम इनको ग्रुप ना करते तो ये अकेले मूव होते. फॉर एग्जाम्पल मैं इनको अनग्रुप कर देता हूँ, राइट क्लिक करके अनग्रुप किया, अब ये अकेले ही मूव होंगे. अब ये सिंगल आइडेंटिटी एक तरह से कहते हैं बन जाए. तो जब भी हम लोग ग्रुप नहीं करेंगे तो दोनों टूल इज काइंड ऑफ सिमिलर. लेकिन अगर हम इन सबको ग्रुप कर देंगे तो जो सिलेक्शन टूल होगा वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट को मूव करेगा, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तब भी अकेले ही ऑब्जेक्ट को मूव करेगा. अनदर थिंग अबाउट दीज टू टूल इज, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक स्क्वेयर बना लेता हूं. ओके, स्क्वेयर बनाने के बाद मैं जब भी डायरेक्ट सिलेक्शन यूज करता हूं, सिलेक्शन टूल यूज करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि तब भी ऑब्जेक्ट मैं कॉर्नर में क्लिक करूंगा, ये पूरा कॉर्नर सिलेक्ट, पूरे चारों कॉर्नर सिलेक्ट कर लेता है. मैं इसको उठा के कहीं भी पेस्ट कर सकता हूं, यहां पर रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं. लेकिन अगर मैं सिलेक्शन टूल यूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करूंगा, तो आप इसमें इस कोने वाले को सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो है कॉर्नर को मूव कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट सेटिंग छेड़ सकते हैं आप कह सकते हैं. लेकिन मैं ये सिलेक्शन टूल यूज करते हुए नहीं कर सकता, बल्कि जब भी मैं सिलेक्शन टूल यूज करके क्लिक करता हूँ तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है. और बनिस्बत इसके कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करके आप सिर्फ एक कॉर्नर को मूव कर सके. सो कीप प्रैक्टिसिंग. बेसिकली ये सिंपल सा थिंग है जो कि आपको शुरू में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये चीज बहुत काम आती है. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है जबकि बंच ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं एक डिजाइन में. सो मेक श्योर यू फॉलो दिस ट्यूटोरियल सो यू कैन इजीली लर्न कि आप किस तरह इन दोनों टूल्स का डिफरेंशिएट करके इन दोनों टूल को यूज कर सकते हैं. वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग. विल मीट यू नेक्स्ट टाइम अगेन बड़े अच्छे ट्यूटोरियल के साथ. सो कीप विजिटिंग, कीप कॉमेंटिंग ऑन माई ब्लॉग. इफ अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो प्लीज आस्क, कभी ये हेजिटेट ना करेगा. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज मी साकिब अहमद, ओनली ऑन अर्न्स.नेट.